नॉलेज एक्सपर्ट यूट्यूब में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों बरसातों के मौसम चालू हो चुके हैं, बरसातों में दोस्तों पानी पड़ने के कारण हमारी घासें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और दोस्तों इसके लिए हम एक ग्रास कटर बनाने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपने ट्रेलर में देखा और थंबनेल में देखा इसी प्रकार से होने वाला है एक ग्रास कटर। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट करो, तभी तो हमारी वीडियो देख पाओगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर। सबसे पहले दोस्तों आपको इस प्रकार का एंगल ग्राइंडर ले लेना है, आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हो दोस्तों। और ये दोस्तों 950 वाट का है और यहाँ पर हम पहिए लगाने वाले हैं। इसके लिए पहिए के लिए दोस्तों ये सेफ्टी कार्ड होता है और यहाँ पर हम ये चूड़ी हो रही है, इसी प्रकार से एक नट बोल्ट लाने हैं, जो कि हमें 6 इंच के नट बोल्ट मिले हैं, आप चाहें तो 10 इंच के लगाना लंबे दोस्तों। और यहाँ पर हमने इस प्रकार से कस के देख लिए, मस्त तरीके से कस रहे हैं। अब हम फटाफट से इनमें टायर लगाना शुरू करते हैं दोस्तों। ये रिक्शे के ख़राब टायर है जो कि दोस्तों हमें कबाड़े वजह से मिल गए थे और जो कि हमने यहाँ पर इसको नट बोल्ट को डाल दिया है और यहाँ पर हम पार्सल का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नट बोल्ट भी मस्त तरीके से कस देंगे। अब बढ़िया तरीके से दोनों को रेडी कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से कसने के बाद दोस्तों हमने स्टेट ग्लू डाल दिया है ताकि हमारे टायर खुले न, और यहाँ पर हमने 2 नट बोल्ट और लगा लिए साइड में। और यहाँ पर हम कसने के बाद दोस्तों इन नट बोल्ट को और तरीके से बढ़िया तरीके से कस देंगे ताकि हमारा ये ढीला ना बैठे। यहाँ पर कसने के बाद दोस्तों और भी कस देंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ पर कसने के बाद दोस्तों एक नट बोल्ट डाल के यहाँ पर हम इसको भी टाइट करेंगे। अब देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीके से इस प्रकार से चलेगा दोस्तों और काफ़ी मस्त तरीके से दिख रहा है दोस्तों। पीछे की साइड हम टायर नहीं लगा रहे हैं, आप चाहें तो लगा सकते हैं दोस्तों। काफ़ी मस्त तरीके से टायर घूम रहे हैं और यहाँ पर हम इस प्रकार का एक सॉकेट लेने वाले हैं दोस्तों। ये एक और रखा है हमारे पास यहाँ पर डला हुआ है, देख सकते हैं, जो कि हम 30 रुपये में नया लाए थे दोस्तों। दोनों साइज मिलते हैं और जो कि हम इसको हम निकालेंगे नहीं, इसी के ऊपर कस देंगे। और यहाँ पर कसने के बाद दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर उस प्रकार से चलेगा दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ पर अभी ब्लेड बनाएंगे, चलिए दोस्तों इसको हम पकड़ने के लिए यहाँ पर बना ले लें, जो कि एक फंटी लेनी है छोटी वाली, देख सकते हैं लकड़ी की फंटी है। यहाँ पर हम एक डंडा लगाने वाले हैं जो कि इस प्रकार का डंडा है, देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सर्कल में कट किया है, यहाँ पर हमने इसका मुँह तिरछा कट किया है ताकि हमारा यहाँ पर लग सके फंटी और ये टेढ़ी हो चुके। यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, जो फटाफट से 2 चोबे लेंगे और इनको मस्त तरीके से यहाँ पर ठोक देंगे। ठोक दिए ये, आप चाहें तो दोस्तों चाइना वाले पेच भी लगा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से लगाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसको लगाने वाले हैं फटाफट से। ये एरिया एक्स्ट्रा है, इसको भी हम कट कर देंगे, कट करके हटा दिया हमने। यहाँ पर हम फटाफट से इसको लगाने वाले हैं दोस्तों। ये है जिप टाई, इनको हम यूज़ करेंगे दोस्तों। ये छोटी वाली है, हम दोस्तों डबल कर लेंगे और डबल से देखेंगे। ये दोस्तों ये भी छोटी बैठ रही हैं, फटाफट से हम देसी जुगाड़ से हम बांधेंगे इसको। तार से तार ले लिए और यहाँ पर हम तार के अंटे मारने वाले हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा के दोस्तों प्लास की मदद से दोस्तों इसमें अंटे मार देंगे मस्त तरीके से। चार हम 3 तार हैं, 3 तारों को मस्त तरीके से लगा लेंगे। इनको दोस्तों बढ़िया तरीके से ऐड दे प्लास की मदद से। अगर ये ढीला बैठ गया तो दोस्तों हमारी फिनिशिंग भी ढीली बैठेगी, क्योंकि हमारा यहाँ से ही पकड़ होगा दोस्तों इसको और यहीं कहीं भी से ब्लेड को चलाना होगा। और दोस्तों बढ़िया तरीके से टाइट कर देंगे, इस प्रकार से मस्त तरीके से चल रहा है। अब फटाफट से इसका ब्लेड बना लें दोस्तों। यहाँ पर हम जिप टाई का यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। एक ये छेद वाला बोल्ट है, इसको हम 4 छेद हो रहे हैं, इसमें जिप टाई लगा लेंगे बढ़िया तरीके से चारों ओर। यहाँ पर हमने जिप टाई का लगा के दोस्तों बना लिया है, यही का बढ़िया तरीके से काम करेगा अभी दोस्तों। ये और देखिए, अभी दोस्तों हम लोहे का भी बनाने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा काफ़ी मस्त तरीके से काम कर रहा है। अब फटाफट से इसको गार्डन में ले जा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी मस्त तरीके से घास को काट दे रहा है, देख सकते हैं। काफ़ी जितना जिधर भी चल रहा है उधर भी घास ही घास को काट रहा है, आप देखिए। अभी दोस्तों वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी हम इसको लोहे के बनवा के दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा उसी प्रकार से बनवा के इसमें डालेंगे दोस्तों। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, होता ये है दोस्तों, ये प्लास्टिक के होते हैं तो जल्दी टूट जाते हैं, देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीके से टूट चुके हैं। नेक ही थोड़ी देर चले टूट गए दोस्तों। अब हम इसको हम लगाने वाले हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोहे को गैस वेल्डिंग कराने आए हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने गैस वेल्डिंग करा ली है, देख सकते हैं। ये दोस्तों हमने बड़े बड़े हमने वेल्डिंग करा ली है, हमारे टायर में टकरा रहे हैं और जो कि हम मोड़ के हम
इनको टेढ़ा कर लेंगे। देख सकते हैं ये एरिया, आप चाहें तो दोस्तों इनको छोटा ही हम नाप लेके नहीं गए थे, यहाँ पर ये टायर पे टकराएंगे दोस्तों, इसलिए हम इनको मोड़ के छोटा कर देंगे। यहाँ पर हम बढ़िया तरीके से इसको प्लास की मदद से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद दोस्तों हम तार की मदद से इसे भी बढ़िया तरीके से बांध देंगे। यहाँ पर हम तार का यूज़ करेंगे, एक और दो तीन कोटी मारेंगे, उसको हम बढ़िया तरीके से ऐड देंगे प्लास की मदद से। इन चारों को हम इस प्रकार से करने वाले हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से बना लिया हमने। अब हम फटाफट से आ चुके हैं अपने गार्डन में, देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीके से चल रहा है दोस्तों, और बढ़िया तरीके से लोहे वाला इतनी जल्दी नहीं टूटेगा दोस्तों, जितना जल्दी हमारे प्लास्टिक के कमज़ोर होते हैं ये दोस्तों वो जल्दी घिस जाते हैं। दोस्तों देखने का मजा लीजिए, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, हम फटाफट से इस घास को काट के दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हमने ये सारे हमने कट नहीं की क्योंकि हमारे सुबह पानी पड़ रहा था, इसलिए हमने इसको इनको नहीं कट किया, और ये भी रह गया है, ये हम बाद में करेंगे जब घास सूख जाएगी। इतना एरिया हमने कट कर दिया है यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर भी हमने कट कर दिया, देख सकते हो यहाँ पर कुछ पहले का ही था जो शुरू में हमने कट किया। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, फिर मिलते हैं नए एक और वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।